शुरू कर दिए। दिस कोर्स इज प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स। माइसेल्फ एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। टुडे आई विल डिस्कस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन क्रॉप इंक्लूडिंग टॉप ड्रेसिंग। व्हाट इज फर्टिलाइजर? केमिकल फर्टिलाइजर जो उनको एप्लीकेशन देते हैं क्रॉप्स में, वो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। इसके कई मेथड्स हैं, मेथड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर मटेरियल्स, फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग, बेसल एप्लीकेशन, टॉप ड्रेसिंग, प्लेसमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, टॉप ब्रॉडकास्टिंग। दिस इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड। इसमें जो यूरिया का टॉप ब्रॉडकास्टिंग करते हैं और पूरे फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। और इसमें ब्रॉडकास्टिंग सोइंग से पहले भी कर सकते हैं और सोइंग के बाद में भी कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ यूरिया का ही ब्रॉडकास्टिंग मेथड से स्प्रे करते हैं। सेकेंड है बेसल एप्लीकेशन। बेसल एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जो सोइंग से पहले देते हैं, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की 1/4 या हाफ डोज, फुल डोज ऑफ P2O5, फुल डोज ऑफ K2O शुड बी गिवन एज ए बेसल डोज इन द क्रॉप्स बिफोर सोइंग और प्लांटिंग द क्रॉप्स एंड मिक्स देम विद कल्टीवेटर्स इन द सॉइल थोरली। और ये सब बेसल डोज जो है, ये बेसल एप्लीकेशन बिफोर सोइंग ही करते हैं, उसके बाद में नहीं होती। और P2O5 और K2O को सिर्फ बेसल डोज के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो। एक यूरिया को आप आफ्टर सोइंग यू कैन अप्लाई यूरिया एज ए टॉप ड्रेसिंग, बट P2O5 एंड K2O शुड नॉट बी गिवन एज ए ब्रॉडकास्टिंग मेथड। दे आर ऑलवेज गिवन एज ए बेसल डोज और बेसल एप्लीकेशन इन द सॉइल एंड आफ्टर दैट कल्टीवेटर इन दी फील्ड। क्रॉप ड्रेसिंग स्प्रेडिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन स्टैंडिंग क्रॉप्स इज नॉन एज क्रॉप ड्रेसिंग। क्रॉप ड्रेसिंग इसको आप यूरिया से भी कर सकते हैं और क्रॉप लाइन लाइन टू लाइन क्रॉप ड्रेसिंग स्प्रे कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं और प्लांट के ऊपर। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सॉइल में प्रॉपर मॉइस्चर हो। अगर सॉइल में मॉइस्चर नहीं होगा तो टॉप ड्रेसिंग नहीं करनी चाहिए। और टॉप ड्रेसिंग करने से पहले अगर खरीफ क्रॉप में कर रहे हैं अपन, तो खरीफ सीजन के अंदर बिफोर ऑन सेट ऑफ टॉप ड्रेसिंग करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रेन, देन क्रॉप बर्निंग इफेक्ट इज देयर। सो अगर बरसात हो जाए उसके बाद में टॉप ड्रेसिंग का स्प्रे करें यूरिया का, तो ज्यादा बेटर है। इसका मतलब थंब रूल ये है कि सॉइल में सफिशियंट मॉइस्चर होना चाहिए। अगर सॉइल में सफिशियंट मॉइस्चर नहीं होगा तो टॉप ड्रेसिंग एडवांटेज की बनिस्पत डिसएडवांटेज ज्यादा होगा। प्लेसमेंट ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर। कुछ फर्टिलाइजर ऐसे हैं इनको जो रूट जोन के पास में ही प्लेस किया जाता है, जैसे कोटेड जितने भी फर्टिलाइजर्स है, प्लेसमेंट, डी प्लेसमेंट, ये सारे मेथड इसके डिफरेंट मेथड्स के हैं। और लिक्विड फर्टिलाइजर को भी आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड फर्टिलाइजर, ब्रॉडकास्टिंग, प्लेसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलाइजर, लोकलाइज प्लेसमेंट, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर, यूज ऑफ स्टार्टर सॉल्यूशन फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन के साथ में भी आप फर्टिलाइजर को डिजोल्व करके दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट इंजेक्शन मेथड, फॉलियर स्प्रे एटीसी। दीज आर दी डिफरेंट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड ऑफ दिस सॉइल।